Dear students, problem set first, algebra, Maharashtra board, question number 7, solve the following word problem. देखिए इसके अंदर यहाँ दिया गया हमें a two digit number and the number with digit interchange add up to the 143. यानी two number है, अब number यहाँ दिए गए, हम देख सकते हैं, let the digit unit यहाँ पर बताया गया, digit number and the number with the digit interchange and up to, कितने तक दिया है, up to 142 at up to 143 in the given number the digit is unit place kita deva iska x unit place kita lena hai x place is a 3 and more than the digit is the 10 place find the original number to chaliye isme hum activity bharte hai dekhi unit digit hume unit place pe lena hai to hum x maan lete hai jo isme already diya gaya aur 10 place pe diya gaya hum maan lete hai y to chaliye ab iske andar hum put karenge 10 place ab jante ho yahan par ek इस तरह की प्रोसेस है देखिए यहाँ पर हम इस तरह राइट कर सकते हैं यानी मान लो ये देखिए यूनिट पे अगर मान लो हम यूनिट प्लेस पे एक्स है और 10 पर वाई तो यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और 10 की 10 होती है आप जानते हो तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ये 1 है तो यहाँ पर जाएगा 10 नंबर ऑफ इंटरचेंजिंग इंटरचेंज किया गया यानी y को इधर लेके गया गया और x को इधर ला लिया गया तो जब ला लिया गया तो उनकी वैल्यू फिर से एज इट इज 10 इंटरचेंज नो वैल्यू चेंज तो आप देख रहे हैं क्या ये जो वैल्यू हमें दी गई है सिंपली अब देखिए थोड़ा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ इसे मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ तो देखिए ये इंटरचेंज हो गया अब नीचे दिया इंटरचेंज 143 तो 10 देखिए पहले इक्वेशन में लिखे 10y प्लस एक्स प्लस अभी दूसरी वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी यहाँ पर तो दूसरी वैल्यू हमारी कैसी आएगी ये थोड़ा बहुत बढ़ाएगा इक्वेशन तो मैं ये बॉक्स में तो नहीं बैठेगा लेकिन मैं ऊपर लिख देता हूँ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 ये आ गया तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 443 तो आप जानते हो जैसा उन्होंने इक्वेशन की ये 10x ये एक्स यहाँ पर लिखता देखिए मैं 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 तो ये आप जानते हो ये 10y और ये एक y कितना हो गया 11y और ये x और ये x 10x तो ये हो गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143 यहाँ कितना आएगा 11 11 यहाँ पर आएगा 11 11 आप जानते हो 11 में कॉमन है आप जानते हो इसमें 11 कॉमन है तो ये कितना जाएंगे यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ 11 बाहर निकालूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 और ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाय 11 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 13 कितना जाएगा 13 तो यहाँ पर आपको राइट करना है 13 चलिए आप यहाँ पर फ्रॉम द सेकंड कंडीशन में वो बता रहा है आपको मैं क्वेश्चन ऊपर रीड करता हूँ इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज अ 3 अगर मान लो यूनिट प्लेस पे 3 है मोर देन द डिजिट इज द 10 प्लेस फाइंड द ओरिजिनल नंबर सेकंड कंडीशन देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ से चेंज हो रही है देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ से चेंज हो रही है ठीक है डिजिट यूनिट प्लेस इज द डिजिट इन द 10 प्लेस यहाँ पर वैल्यू दी हुई है तो हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर सिर्फ y लिखना है क्या लिखना है y यूनिट प्लेस के 3 और ये y y को इधर लेके आके ले लिया गया तो ये x पॉजिटिव एसिस था प्लस y को इधर लेके तो माइनस y इज इक्वल टू 3 तो x माइनस y इज इक्वल टू 3 आ गया इक्वेशन चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे देखिए हमें ऊपर दिया गया इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट एड मतलब ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे मान लो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और सेकंड इक्वेशन हमने अभी निकाले x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जब हम इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 2x प्लस माइनस का हो जाएगा और ये होगा 16 तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे में 8
तो आप जानते हैं यहाँ पर टू यहाँ पर आएगा 16, फिर आएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एक्स के ऊपर की तो पुट करना है हमें 8, और ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा वाई, 8 को ट्रांसफर करेंगे तो आप जानते हो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, आगे सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 8, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 7, नहीं सॉरी 7 नहीं आएगा, 5th आएगा 5, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 5 वैल्यू। तो आप जानते हो द ओरिजिनल वैल्यू कितनी आएंगी, 10x प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी निकल चुकी है हमें, मैं थोड़ा इसे ऊपर लेता हूँ, देखिए तो अभी हमने y की वैल्यू कितनी निकाली, ये ऑलरेडी 10 था, ओरिजिनल नंबर हमारे पास में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे जैसा मान लो 10y प्लस x, तो y की वैल्यू में 5 निकाली, 5 इज इक्वल टू प्लस x, तो यहाँ 50 प्लस x, तो ये 50 प्लस यहाँ पर आएगा 50, यहाँ कितना आएगा 50, इसको हम 50 जब आ जाएगा, x की वैल्यू भी आप जानते हैं 8 है, 8 हमने निकाली हुई है, ये आ जाएगा 58, दिस इज द फाइनल आंसर।